इसको प्यार भी करना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। पूछा इसके बारे में जा रहा है, लेकिन साथ में जोड़ जोड़ के भैंस भी बोल रहा। गाने के चंद डायलॉग लोगों को याद हो जाते हैं, मेरे मुस्तफा की हदीसें क्यों नहीं याद हुई। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। मैं सिंपल एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ, बड़ी आसान सी चीज। दुनिया में जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र ज्यादा करने लगता है, उसकी बात बार बार करता है, बार बार उसको पूछता रहता है। एक बुजुर्ग ने एक अपने शख्स मुरीद को तालीम दी थी। वो आया था बैत होने के लिए, कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ। कहा थोड़े दिन तुझे तरबियत देता हूँ, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए जिससे बैत कर रहा है। कहा कैसी? देहात का रहने वाला था, गांव खेड़े का रहने वाला था। बुजुर्ग ने एक भैंस दी और कहा जा इसको पाल, और इतना पाल और इसे मोहब्बत भी कर, इसको प्यार भी करना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। लेके गया, 8-10 दिन के बाद आया, पूछा बुजुर्ग ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं ठीक हूँ, अच्छा। कहा भैंस कैसी है? कहा वो भी अच्छी है, बहुत अच्छा खाती है, बहुत अच्छा बैठती है। तारीफ कर रहा, जिसे मोहब्बत होती तारीफ होने लगती, उसकी कोई बुराई का जिक्र किया ही। कहा जा, और चंद दिनों के बाद मैं मुलाकात करता हूँ। फिर गया 8-10 दिन के बाद, और भैंस के पास करीब रहता रहा, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। फिर आया दूसरी बार, पूछा कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? कहा मैं भी अच्छा हूँ, मेरी भैंस भी अच्छी है। खाना खा क्या है? हाँ मैं भी खाया, मेरी भैंस भी खाई। पूछा इसके बारे में जा रहा है, लेकिन साथ में जोड़ जोड़ के भैंस भी बोल, क्यों? लगाव बढ़ गया, लगाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि जाओ, और थोड़े दिनों के बाद आओ। फिर गया, उसकी परवरिश में लगा रहा, भैंस को सजाता संवारता, उन्हीं कामों में लगा रहा। शायद 40 दिन के बाद फिर आया, हजरत ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी, आप खाना खाए? मेरी भैंस खा चुकी है। पूछा, पूछ रहे खैरियत तुम्हारी? जवाब भैंस के बारे में दे। तो उस बुजुर्ग ने बताया, ये मोहब्बत का आला दर्जा होता है जब महबूब जिससे मोहब्बत किया जाता है अपने आप को भूल जाता, हर बात में अपने महबूब का जिक्र करने लगता है। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, खुदा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। यही चीज कहते हैं मेरे अजीजों, जिससे मोहब्बत होती है उसका तज़किरा ज्यादा करने लगता है आदमी। ये तुम्हारी एक्टिविटीज से समझ में आ जाएगा। तुम ये कहते हो अगर हुजूर से तुम्हें मोहब्बत है, तो देखो जिंदगी में दिन में कितनी मर्तबा उनका तज़किरा करते हो, कितनी मर्तबा उनकी बातें करते हो, कितनी मर्तबा उनकी हदीसें दुश्मन तक बयान करते हो। मोहब्बत यही से समझ में आएगी। मुझे हैरत होती है, गाने के चंद डायलॉग लोगों को याद हो जाते हैं, मेरे मुस्तफा की हदीसें क्यों नहीं याद होगी। अगर हकीकत में मोहब्बत है तो दुनिया को ठोकर मारो, मेरे मुस्तफा की हदीस याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान याद रखो, और गुनगुनाते हुए लोगों से कहो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे आका ने फरमाया है अस्सलातु बिल्मादूद, मेरे आका ने फरमाया है। ये हदीसें इस तरह जिक्र करते जाओ, कम से कम चलो हदीसें याद नहीं हो पाती।